मॉर्निंग स्टूडेंट, पाठ 16 है वन के मार्ग में। ये सवैया है, इसको तुलसीदास जी ने कविता वली से लिया है, यानी कविता वली नामक जो ग्रंथ लिखा है तुलसीदास जी ने, उसी ग्रंथ से ये लिया गया है वन के मार्ग में। आइए देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरे धीर गए मग में दगदे जलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा धरवे फिर बूझक है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियो किति है तियकी लखी आतुरता पियकी अखियां अति चार चली जब छे। अब इन पंक्तियों पर बताया जा रहा है जब श्री रामचंद्र जी जो है वन के लिए जाते हैं। पुर मतलब है नगर और रघुवीर बधु मतलब सीता जी, मग मतलब रास्ता, द्वय मतलब दोनों, मधुराधर मतलब सुंदर, ओट केतिक मतलब कितना, चवे मतलब चूने लगा। यहाँ पर कवि बता रहे हैं, तुलसीदास जी बता रहे हैं, अयोध्या से वन से जाते समय पैदल जाती हुई सुकुमारी सीता की करुण दशा का मार्मिक वर्णन चित्रण किया है। कवि कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकलकर वन के मार्ग पर थोड़ा चले ही थे कि सदा महलों में पली की कुमारी सीता जी थक गए। उन्होंने नगर से निकलकर वन के पथ पर बड़े धीरज के साथ जब दो कदम रखे थे कि उनके मस्तक पर थकान के कारण पसीने की बूंद छलकने लगी और दोनों कमल उनके जो है दोनों सुंदर कोमल ओठ जो है प्यास के कारण सूखने लग गए और वो काफी थक गई। तो उनके प्रियतम राम ने से पूछा, उन्होंने अपने प्राण प्रिय राम से पूछा कि अब हमें कितनी दूर चलना है, कितनी दूरी पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। कहने का यहाँ पर भाव यह है कि सीता जी कहती है हम लोग तो बहुत दूर चल चुके हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे आगे नहीं चला जाता। तो श्री राम अपनी जो पत्नी है सीता की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझ गए और उनके सुंदर नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लग गई। जल को गए लखनु हे लड़िका परिको पिए छा गलिक है ठाड़े पोछ पसे बयार करो अरुपाय पखारो भूभर ठारे तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जाने के बैठे विलम्ब लो कंटक काड़े जाने की नाम को नेह लखो फुल को तनु बारे विलोचन बारे। अब यहाँ पर परिखो मतलब है प्रतीक्षा करो, घरिक मतलब एक घड़ी के लिए, पसेव मतलब पसीना, भूरी मतलब गर्म धूल, नाह मतलब स्वामी, विलोचन मतलब नेत्र। इसमें जो है जब सीता जी की सुकुमारता और राम के बहुत गहरे प्रेम का वर्णन किया गया है। जब सीता जी संगेर पुके से आगे चलने से थक तो श्री राम से सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं इसलिए घड़ी भर के लिए किसी पेड़ की छाया में खड़ी होकर हम उनका प्रतीक्षा कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं, तो इतनी देर में आपका पसीना पोंछ कर हवा कर दीजिए। श्री राम जी की जो पसीना आ रहा है उसको पोंछ कर वो हवा करने लगती है। गर्म रेत पर चलने से आपके पाँव जल रहे होंगे तो उन्हें भी धो दूंगी। श्री रामचंद्र जी यह सुनकर समझ गए कि सीता जी बहुत थक चुकी हैं और वो विश्राम करना चाहती हैं, तो वो बैठ गए और बड़ी देर तक सीता जी को विश्राम करने के लिए कहने लगे और उनके जो पैरों में चुभे कांटे थे वो निकालते रहे कि मानो ऐसा लग रहा था कि पति का प्रेम देखकर सीता जी बहुत पुलकित हुई और उनकी आंखों से प्रेम की अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। इस पाठ को और आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।